उसके लिए मैं यहाँ पर थोड़ा सा मैदा ली हूँ और अंडे की जर दी। ये है ईस्ट और हमने थोड़ा सा दूध लिया है, नमक, और ये थोड़ा सा दूध और ये बटर। तो चलिए शुरू करते हैं। एक चम्मच हल्दी लेंगे, ये नमक है, ये शुगर पाउडर, सब ये डाल देंगे। अब हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और साथ में थोड़ा थोड़ा दूध डालेंगे। इसमें हम बटर भी डाल दें और अच्छे से मिक्स भी कर लें। एक हम 15 मिनट्स के लिए इसको रख देंगे। 15-20 मिनट्स हो गए, अब हम इसको बेलेंगे। अब हम डोनट्स को कट करेंगे। इसको मैं नोजल से कर लूं। अब हम इसी तरह बना लेंगे। ये देखिए पूरे डोनट्स बन गए। डोनट फ्राई करने में मेरे दादी ने मेरी हेल्प करे। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। तो आज मैं नबीहा के मिनी किचन में हूँ, तो इनकी हेल्प कर रही हूँ। ये कढ़ाई में मैं तेल डाल दी और ये अच्छे से डोनट्स फ्राई हो रहे हैं। तो ये थोड़ी सी उनको मेरी हेल्प की ज़रूरत है। और वैसे भी नबीहा बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है क्योंकि उनके स्कूल खुलने वाले हैं। तो देखिए ये अच्छे से, और जो भी बच्चे डोनट्स बनाने वाले हैं तो प्लीज़ अपने बड़ों की मदद लेना जब आप डोनट्स को फ्राई करने वाले होंगे। आप लोग ये नबीहा की वीडियो को ज़रूर देखिए और उसको लाइक एंड सब्सक्राइब भी करिए और अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स में ज़रूर शेयर करिए। नबीहा बहुत मेहनत करे ये वीडियो बनाने में, क्योंकि ये अच्छे से हो गए। अब मैं इसको निकाल रही हूँ, जो बहुत ज़्यादा छोटे हुए। थैंक यू दादी, यू आर वेलकम नबीहा। ये देखिए हम पूरे इसी तरह तल लेंगे। ये डोनट्स फ्राई हो गए और ठंडे भी हो गए। अब हम इसके लिए चॉकलेट मेल्ट करेंगे। देखिए चॉकलेट मेल्ट हो गया, अब हम इसमें डिप करेंगे। अब हम इसी तरह पूरे करेंगे। ऊपर स्प्रिंकल डालेंगे।
चलिए जो नोट्स बन के बिल्कुल तैयार है आप लोग भी जरूर ट्राई करिए, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, नोटिफिकेशन बेल को ऑन करिए। मुझे अपने जवाब में जरूर याद रखिए ग्रानीज रसोई फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी, आप लोग वहाँ पर भी मुझे सपोर्ट करिए। और जो मेरे नए व्यूवर्स हैं उनसे मेरी गुजारिश है कि आप लोग भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। अल्लाह ताला आप सबको बहुत खुश रखे, आबाद रखे, सेहत के साथ रखे, हजारों दुआओं के साथ। अल्लाह हाफिज़।